क्या होगा अगर आप लोगों का जो पार्टनर है वो सबसे बड़ा मादर निकल। तो जी हाँ, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले एक ऐसी मूवी जिसमें हम देखेंगे कि एक आदमी अपने बिजनेस पार्टनर की वाइफ के साथ ही घपाघप करने लगता है। अब जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो दूसरों से भी क्या कहना। हम लोग देखते हैं कि उस औरत को भी उस बिजनेस पार्टनर के साथ मजा आने लगता है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वीडियो के एंड तक बने रहना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। मूवी स्टार्ट होती है और हम लोग देखते हैं एक डेरिक नाम के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन को जो कि एक स्पोर्ट एजेंसी का मालिक था। हम लोग देखते हैं वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे बैठा होता है और अपने नाइट को एंजॉय कर रहा होता है। बेसिकली वो पार्टी में होता है। अब हम देखते हैं वो अगले दिन घर आता है और अपनी वाइफ से पूछता है कि पिछले दो दिनों से तुम कहाँ पर। अब क्योंकि डेरिक एक बिजनेसमैन था तो वो अपनी वाइफ को समय नहीं दे पा रहा था। अब वो फाइनली अपनी वाइफ को समय देना स्टार्ट कर देता है। अब इसका एक भी एक रीजन था। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि रीजन क्या था। यार इन अंग्रेजों में ना मेरे को एक चीज बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। अब यार कोई बिजनेसमैन आदमी है वो तुमको समय नहीं दे पा रहा, अब ये थोड़ी है कि तुम अपना गपागप करने के लिए तुम किसी और के साथ सो जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं डेरिक को इसी बात का डर था कि अगर वो अपनी वाइफ को समय नहीं देगा तो वो किसी और के पास चली जाएगी। अब अपनी रूठी हुई वाइफ को मनाने के चक्कर में डेरिक भाई साहब अपना लास वेगस का ट्रिप भी कैंसिल कर देते। पर हम लोग देखते हैं उनकी वाइफ कहती है कि तुम जा सकते हो, तो डेरिक अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे एक चला जाता। तो बेसिकली उनकी एक बिजनेस मीटिंग थी और हम देखते हैं कि उनकी फैमिली ही अपने इस बिजनेस को संभालती थी। तो वो लोग एक मीटिंग के लिए जाते हैं जहाँ पर हमें पता पड़ता है कि डेरिक का एक बिजनेस पार्टनर भी है। तो डेरिक से कहता है कि तुम्हें सब चीज भुला के एक मूव ऑन करना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं डेरिक को एक बार में एक लड़की मिलती है जिसके साथ डेरिक धीरे धीरे रिलेशनशिप में आ जाता है और उसके साथ घपाघप करता है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं डेरिक वापस अपने घर पे आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डेरिक जब अपने ऑफिस में होता है तभी वहाँ पे उसका बिजनेस पार्टनर आता है। और हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर कहता है डेरिक से कि एक कंपनी है जो हमारी कंपनी को खरीदना चाहती है। पर डेरिक यहाँ पर उसे कहता है कि ना तो मैं अपनी कंपनी को किसी को बेचना चाहता हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरा और कोई पार्टनर हो। तो हमें पता पड़ता है कि डेरिक का जो ये मेन पार्टनर था, डेरिक इस पे आंख बंद करके विश्वास करता था। अब यार मैं आपको एक गोल्डन टिप देना चाहूंगा कि अपनी लाइफ में कभी भी किसी पर भरोसा मत करना, चाहे वो आपका कितना ही खास हो। ये गोल्डन टिप है, इसे रख लो। अब हम लोग देखते हैं कि डेरिक घर पे आता है और अपनी वाइफ के लिए खाना भी बनाता है और इन दोनों के बीच में आपस में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था। अब हम लोग देखते हैं ये लोग आपस में बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब हम देखते हैं ये दोनों अपने इस हैप्पीनेस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए अपने बेडरूम में जाते हैं, वहाँ पे इंटीमेट भी होते हैं। पर तभी यहाँ पे इनको ऊपर से कुछ आवाज आती है और ये लोग यहाँ पे ऊपर जाते हैं। अब स्पेशली हम लोग डेरिक को देखते हैं जो कि ऊपर जाता है और देखता है कि उनके घर में एक चोर घुसा हुआ है जो कि वहाँ पे चोरी करने वाला था। पर डेरिक उसे पकड़ लेता है, पर किसी तरह से वो चोर वहाँ से भाग निकलता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर आती है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे पूरी तरफ पुलिस आ गई थी और यहाँ पे जो इस केस को चार्ज कर रही थी वो वही पुलिस ऑफिसर थी जो हमें लास वेगस में दिखी थी, जिसके साथ डेरिक ने घपाघप किया था। अब डेरिक भाई उसे देख के हैरान हो जाता है, शॉक हो जाता है। तो डेरिक उसके पास बैठता और उसे कहता है कि मैंने जो भी आपके साथ किया मैं उसके लिए सॉरी मांगता। डेरिक यहाँ पे उस ऑफिसर से मना कर देता है कि आप प्लीज मेरी वाइफ को इस बारे में मत बताना। ऑफिसर भी उसके लिए इस चीज के लिए मान जाती है। अब हम लोग एक दिन देखते हैं डेरिक एक बीच पे जाता है जहाँ पर वो डिटेक्टिव भी होती है। वो डिटेक्टिव यहाँ पे डेरिक से कहती है कि अब इस माइक्रोस्कोप से जल्दी से उस रूम में देखो। तो डेरिक देखता है तो उसे क्या मिलता है कि उसका जो बिजनेस पार्टनर है वो उसकी वाइफ के साथ ही गपागप कर रहा है। ओ बहन यार, ये पार्टनर तो यार बहुत ही बड़ा मादर आदमी निकला यार, अपने बिजनेस पार्टनर की वाइफ के साथ इंटीमेट हो रहा है। यार सीरियसली अगर मैं बताऊं तो उस पार्टनर को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर छोड़ो, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डिटेक्टिव होती है वो डेरिक को ये सब दिखाने के बाद उसे एक रियलिटी चेक भी बता देते हैं कि तुम्हारी वाइफ कैसी है। अब हम देखते हैं डेरिक रात को बहुत ही ज्यादा उदास था, उसने दारू भी पी रखी थी और वो दारू के नशे में उस डिटेक्टिव के घर पे चला जाता है। हम लोग देखते हैं ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। अब भाई ये लोग बातें कर रहे हैं, इंटीमेट बातें कर रहे हैं, उसके साथ घपाघप हो जाए तो मजा ही ना आ जाए। तो ये लोग वहाँ पे इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले दिन डेरिक के घर पे पुलिस आती है और वो उसको पुलिस स्टेशन में ले जाती है जहाँ पर डेरिक की मुलाकात फिर से उसी डिटेक्टिव से होती है। और वो डिटेक्टिव उसे बताती है कि उस बीच हाउस पे हमें तुम्हारी वाइफ की और तुम्हारे बिजनेस पार्टनर की लाश मिली है, उसके साथ साथ हमें वहाँ पे तुम्हारी रिंग भी मिली है जहाँ पर हमें शक है कि तुमने उन दोनों का मर्डर किया है। अब हम देखते हैं कि ये बात सुनकर वो बहुत ही शॉक हो जाता है और यहाँ पर न्यूज में चारों तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि डेरिक ने अपनी वाइफ को और अपने बिजनेस पार्टनर को मार दिया है। अब हम देखते हैं कि डेरिक अगले दिन अपनी मॉम के घर पे आ जाता है अपने कजन के साथ साथ। यहाँ पर हम देखते हैं वो डिटेक्टिव भी आ जाती है जो कि यहाँ पे उसके साथ लड़ाई करने लगती है। अब हम देखते हैं डेरिक अपने कजन के साथ बैठा होता है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बता रहा होता है कि कैसे वो डिटेक्टिव डेरिक को मैनिपुलेट कर रही है और वो चाहती है कि डेरिक उसके लिए एक मर्डर करे।
और साथ ही साथ बदले में वो उसके पास जितने भी सबूत उन सबूतों को मिटा देगी। पर हम देखते हैं कि डेरिक का जो कजन होता है वो यहाँ पर उस लड़की के पास जाता है, डिटेक्टिव के पास, और उसे मारने की कोशिश करता है। पर वो डिटेक्टिव उल्टा उसे बेहोश करके उसके ऊपर एक शॉटगन से हमला कर देती है, जिससे कि डेरिक का जो कजन था वो भी मर जाता है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं डेरिक को फिर से कॉल आता है, उसे फिर उसी बीच हाउस पे बुलाया जाता है जहाँ पर वो डिटेक्टिव थी। अब डिटेक्टिव यहाँ पे उसे ललसाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसे कुछ हार्म कर सके, और यहाँ पर डेरिक भी उसके ऊपर गन चलाता है, पर उस गन के अंदर जो गोलियां थी वो गोलियां भी नकली थी। और यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि जो डिटेक्टिव थी ये सब उसकी चाल थी, वो चाहती थी कि डेरिक के फिंगरप्रिंट्स का निशान लेना ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर भाई साहब गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट करते हैं। साथ ही साथ डिटेक्टिव यहाँ पे डेरिक को ब्लैकमेल भी करती है कि अगर तुम यहाँ पे मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारे सारे सबूतों को मिटा दूंगी और तुम्हें बचा लूंगी। और यहाँ पर काम यही था कि डिटेक्टिव चाहती थी कि उसका जो एक्स हस्बैंड है डेरिक उसे मार दे। यहाँ पर हमें पता पड़ता है ये डिटेक्टिव थोड़ी दिमाग से पागल थी, और वो कुछ और नहीं चाहती थी, बस यही चाहती थी कि वो डेरिक को फंसाए और अपने हस्बैंड को उससे मरवा दे ताकि वो एक क्लीन चिट रह जाए। अब हम देखते हैं कि सुबह होते ही डेरिक यहाँ पे उस डिटेक्टिव के हस्बैंड को मारने के लिए चला जाता है, और हम देखते हैं वो उसे बात करने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं उस डिटेक्टिव का एक्स हस्बैंड उसकी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी हम देखते हैं इन दोनों में बीच में गोलियां चल जाती हैं और डेरिक यहाँ पे उस डिटेक्टिव के एक्स हस्बैंड को मार देता है। अब इस काम के बाद वो डिटेक्टिव के पास आता है अपने सारे सबूतों को लेने के लिए ताकि वो उन सभी सबूतों को डिस्ट्रॉय कर सके। पर हमें यहाँ पर पता पड़ता है कि जो डिटेक्टिव थी उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, और डिटेक्टिव को भी ये सब चीज़ पता थी कि वो अब डेरिक को मार देगी एंड में। अब हम देखते हैं डेरिक को जो कि उन सभी चीजों को लेके जा ही रहा था, पर तभी हम लोग डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि डेरिक के ऊपर वहां पे गोली चला देती है। पर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में अब गोलियां चलती हैं बहुत ही तेज तेज, और डेरिक यहाँ पे गोली चलाता है जो कि गोली डिटेक्टिव को लग जाती। तो भाई अब फाइनली इस मूवी के मास्टरमाइंड को गोली लग चुकी थी और वो मरने वाली थी। तो डेरिक जो होता है वो यहाँ पे उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है और साथ ही साथ उसका कन्फेशन भी रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके बाद उस डिटेक्टिव को पुलिस पकड़ के ले जाती है और अब डेरिक फ्री हो जाता है। और हम देखते हैं लास्ट में डेरिक एक हाईवे पे अपनी कार चला रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस मूवी का यहीं पे एंड होता है। और दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, जिससे कि मैं कुछ मोटिवेट हो। आप लोग अपने अपने व्यूज देना मेरी एक्सप्लेनेशन के लिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।